नवरात्रि शुभ मुहूर्त। साल 2024 में चैत्र नवरात्र की शुरुआत 9 अप्रैल से हो रही है, वहीं इसका समापन 17 अप्रैल यानी महानवमी के दिन होगा। नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। ऐसे में घट स्थापना के शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार रहेगा। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त सुबह 6:11 से सुबह 10:23 तक बन रहा है ये शुभ योग। चैत्र नवरात्र के विशेष अवसर पर कई शुभ योग बनने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इन शुभ योग में पूजा अर्चना और घट स्थापना की जाए तो इससे व्यक्ति को जीवन में विशेष लाभ देखने को मिल सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चैत्र नवरात्र पर अमृत सिद्धि योग और अश्विनी नक्षत्र का संयोग रहने वाला है। 9 अप्रैल के दिन सूर्योदय के लगभग 2 घंटे बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। इस शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करने से साधक को माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। कैसे करें घट स्थापना, जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैत्र नवरात्र के शुभ अवसर पर घर में कलश स्थापना करने के लिए सबसे पहले पूजा स्थल अच्छी तरह से साफ कर लें। इसके बाद एक मिट्टी का बर्तन लें और उसमें साफ मिट्टी डालें। अब इसमें जौ के दाने बो दें और पानी का छिड़काव करें। अब इस मिट्टी के कलश को पूजा स्थल पर कलश स्थापित कर दें। इसके बाद कलश में जल, अक्षत और कुछ सिक्के डालकर ढक दें। कलश पर स्वस्तिक बनाएं और फिर कलश को मिट्टी के ढक्कन से ढक दें। इसके बाद दीप जलाएं और कलश की पूजा करें।